बहुत पहले समय की बात है, एक खूबसूरत से जंगल में टूनी अपने बच्चों के साथ एक घर में रहा करती थी। टूनी के दोनों बच्चे काफी सुंदर थे, इसलिए टूनी चिड़िया काफी डरी और सहमी रहती थी। कारण उस जंगल में एक दुष्ट सियार रहा करता था और वे दूसरे तीसरे पक्षियों के बच्चे को पकड़कर खा जाता था, और यदि उससे कोई बहस करता तो वह दुष्ट सियार उसी चिड़िया को पकड़कर खा जाता और उसके घोंसले को तोड़ देता। इसी डर के कारण जंगल के सभी पक्षी अपने अपने बच्चे को छुपा कर रखता था। उसी जंगल का एक राजू नाम का कौवा दुष्ट सियार का मित्र था। वह राजू कौवा भी सियार के जैसा ही दुष्ट था। एक दिन वह दुष्ट कौवा सियार से कहता है, सियार मित्र, इसी जंगल में टूनी के दो बच्चे बड़े हो गए हैं, इस बात की खबर आपको है सियार भाई? इस प्रकार दुष्ट कौवा जंगल के सारे पक्षियों का रिपोर्ट सियार को दिया करता था और दुष्ट कौवा जंगल जंगल घूमा करता था। तभी दुष्ट कौवा की नजर टूनी के ऊपर पड़ती है और दुष्ट कौवा एक पेड़ पर छिप जाता है और टूनी की बात सुनने लगता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जंगल से बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम दोनों अपना ख्याल सही से रखना। हाँ, और एक बात, मेरे जाने के बाद तुम दोनों इधर उधर घूमने मत निकल जाना। मम्मा, ओ मम्मा, हम दोनों घर से बाहर क्यों ना जाएं? हमें तो बाहर खेलने में बहुत मजा आता है मम्मा। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी बाहर खेलने में बहुत मजा आता है, और आपको की कह रही हो को बाहर मत जाना। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तुम दोनों बाहर खेलने नहीं जाओगे। यदि तुम दोनों के बारे में दुष्ट सियार को पता चल गया तो तुम्हें मार कर खा जाएगा। नहीं मम्मा नहीं, तुम तो फोकट में इतनी चिंता कर रही हो। दुष्ट सियार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि सियार मेरे घोंसले में आएगा तो उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगा, तुम देखना मम्मा। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। हर समय तुम दोनों खाली शरारती करते रहते हो और बेकार की बात करते रहते हो। मैंने कहा ना कि तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब घर से बाहर नहीं जाओगे, और यदि मेरी बात नहीं माना तो मैं तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा दूंगी। मम्मा, ओ मम्मा, खामा खा आप इतनी गुस्सा क्यों हो जाती हैं? ठीक है मम्मा, हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे, तब तो होगा ना मम्मा। हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों बहुत समझदार हो, तुम दोनों यही रहो, मैं भी भोजन लाने जा रही हूँ। और इधर दुष्ट कौवा पेड़ के आड़ में छुपकर टूनी और उसके बच्चे की सारी बातें सुन लेता है और कहता है, ओ अच्छा, तो ये बात है, टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चे को अपने घर में छुपा कर रखी हुई है, और इसका भनक मुझे भी नहीं था। अच्छा रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। टूनी, तुमने क्या सोचा था कि तुमने दुष्ट सियार की नजरों से अपने बच्चों को बचा लिया है? खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस शातिर दुष्ट कौवे की नजर से नहीं बच सकते हो। मैं भी जाता हूँ और इस बात की खबर दुष्ट सियार को देता हूँ, और सियार ये खबर पाकर तो बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे पुरस्कार भी देंगे। ऐसा सोचकर दुष्ट राजू कौवा उड़ते हुए सियार के पास जाने लगता है और सियार के पास पहुंचकर सारी बातें खुलकर बताने लगता है। कौवे की बात सुनकर दुष्ट सियार काफी गुस्सा जाता है और कहता है, तो टूनी की इतनी हिम्मत, क्यों मुझसे अपने बच्चों को छुपा कर रखा है? इसकी सजा उस टूनी को जरूर मिलेगी। और हाँ दुष्ट कौवे, यदि तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मैं टूनी के बच्चे को तो खाऊंगा ही, साथ ही साथ मैं टूनी को भी खा जाऊंगा। हाँ मेरे मित्र, मैंने तुम्हें बिल्कुल सच सच कहा है। यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो अभी आप मेरे साथ चलिए। ऐसा सोचकर दुष्ट कौवा और दुष्ट सियार टूनी के घर की ओर रवाना हो जाते हैं, और इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है,
मेरे लाडले और प्यारे बच्चों, तुम दोनों घर पर ही रुको, मैं बाहर से भोजन लेकर आती हूँ। यदि कोई अनजान आकर तुम्हें आवाज दे तो तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मा, ठीक है, ना ही हम दरवाजा खोलेंगे और ना ही हम घर से बाहर जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तुम दोनों सावधानी से रहना, मैं भी बाहर जा रही हूँ और जल्द ही लौट कर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर रवाना हो जाती है। और कुछ ही दूर जाने के बाद टूनी चिड़िया की मुलाकात दुष्ट सियार और कौवे से हो जाती है। दुष्ट सियार टूनी चिड़िया को देखकर गुस्से से कहता है, ए टूनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने बच्चे को मुझसे छुपा कर रखा है। दुष्ट सियार की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया काफी ज्यादा डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मेरे बच्चे के बारे में इस दुष्ट सियार को भला कैसे पता चल गया? मैं तो अपने बच्चे को इससे छुपा कर रखा है। हो ना हो, इसमें दुष्ट कौवा ही का हाथ हो सकता है। लेकिन अभी मैं इस दुष्ट सियार से अपने बच्चे को भला कैसे बचाऊं? डर से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। नहीं सियार भैया, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, यदि मेरा बच्चा होता तो इस बात की खबर आपको जरूर होता। सियार भैया, मैं भला आपसे अपने बच्चे को कैसे छुपा कर रख सकती हूँ? आप तो इतने चतुर हो। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर तुम्हारा बच्चा होता तो हमें अवश्य ही तुम्हारे बच्चे के बारे में पता चल गया होता। इस जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जो मुझसे अपने बच्चे को छुपा कर रख सके। नहीं नहीं सियार मित्र, टूनी झूठ बोल रही है, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले टूनी और उसके बच्चे को देखकर आया है। यदि मेरी बातों पर आपको भरोसा नहीं है मित्र, तो मेरे साथ टूनी के घर पर चलो, मुझे पूरा विश्वास है सियार मित्र, टूनी अपने बच्चे को घर में छुपा कर रख कर आई है। अच्छा है दुष्ट कौवे, जब बोल ही रहे हो, मुझे भी जाकर अपनी आंखों से सच क्या है और झूठ क्या है देख कर आना चाहिए। टूनी, तुम मुझे अपने घर लेकर चलोगी? यदि दुष्ट कौवे की बात सच साबित हुई तो मैं तो तुम्हारे बच्चे को खा ही जाऊंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। हे भगवान, यदि अभी सियार जाकर मेरे घर की तलाशी करे तो मेरे दोनों बच्चे को तो ये दुष्ट सियार खा जाएगा। अभी मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, तुम मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐ टूनी, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? चलो तुम मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। सियार भैया, आज मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है, किसी दूसरे दिन मेरे घर जाएंगे तो नहीं होगा सियार भैया। ऐ टूनी चुप, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने तुम अपनी जबान चला रही हो? किसी दूसरे दिन नहीं, आज ही और अभी तुम मुझे लेकर चलोगी और मैं देखूंगा कि तुम्हारे घर में असल में बच्चा भी है या नहीं। ऐसा कहकर दुष्ट राजू कौवा और दुष्ट सियार को लेकर टूनी चिड़िया अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। और टूनी चिड़िया डर के मारे कांपने लगती है। ये पता नहीं आज मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है। फिर कुछ ही देर के बाद टूनी अपने घर के सामने आ जाती है और दुष्ट सियार कौवा से कहने लगता है, कौवे ओ दुष्ट कौवे, तुम टूनी के घर के अंदर जाकर देखो कि सचमुच टूनी के बच्चे हैं या नहीं, और यदि बच्चे हैं तो उन्हें पकड़ कर मेरे सामने लेकर आओ। दुष्ट सियार की बात सुनकर राजू कौवा टूनी के घर के अंदर चला जाता है। और इधर टूनी तो और ज्यादा डर जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है। लेकिन दुष्ट कौवा घर के अंदर जाकर देखता है तो वहां पर तो कोई बच्चा नहीं था। फिर भी राजू कौवा टूनी के बच्चे को इधर उधर खोजने लगता है। फिर भी उसे टूनी का बच्चा नहीं मिल पाता है। तभी राजू कौवा बोलता है, आखिर बच्चा कहाँ चला गया? मैंने तो टूनी के बच्चे को यही इसी घोंसले पर देखा था, लेकिन वो गया कहाँ? अभी मैं जाकर दुष्ट सियार को क्या जवाब दूंगा? और इधर दुष्ट सियार राजू कौवा को आवाज देने लगता है,
क्या हुआ दुष्ट कौवे, आखिर इतनी देर से तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? जल्दी से टूनी के बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। सियार के बुलाने पर दुष्ट कौवा मजबूर होकर सियार के पास आ जाता है। अरे दुष्ट कौवे, तुम अकेले क्यों आया और टूनी का बच्चा कहाँ है? मतलब सियार मित्र, पता नहीं आखिर टूनी ने अपने बच्चे को कहाँ छुपा कर रख दिया है। आखिर बात क्या है, मेरे बच्चे घर पर नहीं है, आखिर कहाँ गया है मेरे बच्चे? खैर जो भी हो, अभी मुझे सियार और दुष्ट कौवा को यहाँ से पहले भेजना होगा, फिर उसके बाद मुझे अपने बच्चे को खोजना होगा। देखा ना सियार भैया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा तो कोई भी बच्चा नहीं है। हाँ टूनी, मुझे पहले से मालूम था कि तुम एक ईमानदार पक्षी हो और तुम कभी झूठ नहीं बोलती हो, लेकिन मैं दुष्ट कौवे के झांसे में आ गया था। अरे दुष्ट कौवे, अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। दुष्ट कौवे को तो मेरा बच्चा नहीं मिला, लेकिन मैं अभी घर के अंदर जाती हूँ और आकर देखती हूँ कि मेरे बच्चे आखिर कहाँ है। मेरे बच्चे तुम दोनों कहाँ हो? मैं तुम्हारी मम्मा बोल रही हूँ, मेरे पास आ जाओ। मम्मा? ओ मम्मा, हम दोनों कहीं नहीं गए थे। जब दुष्ट सियार मेरे घर की ओर आ रहा था तभी मैंने उसे दूर से देख लिया था, तभी हम दोनों घर के अंदर रखे मटके के अंदर छुप गए थे ताकि वो दुष्ट सियार मुझे खोज ना पाए। ठीक किया था मेरे बच्चे, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया था। मैं तो डर ही गई थी, लेकिन तुम दोनों ने अपने बुद्धि से काम लिया था मेरे बेटे। लेकिन तुम दोनों के बारे में दुष्ट सियार को तो पता चल ही गया, वो तुमको खाने के लिए कभी भी आ सकता है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे और जाकर कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या सियार भैया, अभी तक तुम यहीं पर हो? हो, तुमने क्या सोचा था टूनी, तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा दोगी? मैं भी दुष्ट सियार हूँ, अच्छे अच्छों को सबक सिखा देता हूँ। मैं तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूँ, है ना टूनी? आप दया करके मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए सियार भैया, मेरे बच्चे को मत खाइए। देखो टूनी, मुझे कोई दया वया नहीं आती है, तुम मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है और मुझे चकमा देने चली थी। हाँ अभी तो मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा ही साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। सियार अंकल, ओ सियार अंकल, आप मेरे मम्मा को मत खाना, बदले में हम दोनों भाई को खा लो, लेकिन मेरी मम्मा को नुकसान मत पहुँचाना। ठीक है बच्चे, तो फिर तुम दोनों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। मुझे माफ कर देना सियार भैया, आप तो बहुत महान हैं। इसका मतलब जंगल के सारे पक्षी जो आपकी काफी प्रशंसा करते थे, इसका मतलब वो सब झूठ था। आज मुझे पता चला आप तो बहुत अच्छे हैं और आप तो इस जंगल के राजा हैं। सियार अपनी प्रशंसा सुनकर काफी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, जंगल के सारे पक्षी मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारी बात सुनकर खुश हुआ, मैं तुमको इस बार छोड़ दिया, जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं खाऊंगा ही। वो तो मैं जानती हूँ सियार भैया, लेकिन जब आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। तुम क्या बोलना चाहती हो टूनी, जल्दी से बोलो। सियार भैया, मैं भोजन लाने हमेशा सुबह सुबह ही अपने घोंसले से निकल जाया करती हूँ और शाम के समय ही लौटती हूँ, जिससे मैं अपने बच्चे को समय ही नहीं दे पाती हूँ। यदि आप मेरे बच्चे को आज ना खाकर कल खाते तो आज मैं सारा दिन अपने बच्चे को जी भर कर देखती। फिर दुष्ट सियार मन ही मन सोचता है, टूनी जंगल से भागने का कोई योजना तो नहीं बना रही है, लेकिन तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगी? अगर टूनी भागने की कोशिश की तो मैं तो उसे कच्चा ही चबाकर खा जाऊंगा। लेकिन इसकी बात सुनकर लगता है कि टूनी सचमुच अपने बच्चे को जी भर कर देखना चाहती है। ठीक है, आज मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कल सुबह होते ही तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। आप तो सचमुच कितने महान हो सियार भैया, आपका दिल कितना बड़ा है। ठीक है ठीक है। फिर दुष्ट सियार वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया कहती है,
अरे दुष्ट सियार, तुमने जंगल के सारे पक्षियों के बच्चे को खा जाते हो, लेकिन मेरा नाम भी टूनी है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को खाने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ एक योजना बनाती है कि कैसे दुष्ट सियार को अपने किए के मजा चखाना है। और जैसे ही सुबह होती है, टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर नीचे आती है और एक गड्ढा बनाती है। नीचे कांटेदार झाड़ी रख देती है और उसके ऊपर हल्का सा घास पत्ते रखकर उसके ऊपर अपने बच्चे को बैठा देती है। तभी सियार और राजू दुष्ट कौवा आ जाता है और टूनी के बच्चे सियार से कहता है, आइए आइए सियार अंकल, और आप यहाँ आकर मुझे खा लीजिए, तब तो होगा ना। अच्छा ठीक है टूनी के बच्चे, मैं अभी आता हूँ और तुम दोनों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाता हूँ। फिर जैसे ही दुष्ट सियार टूनी के बच्चे को खाने जाता है, धड़ाम से उस गड्ढे में गिर जाता है और उसके शरीर में कांटा चुभ जाता है, जिससे सियार तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। ये सब देखकर दुष्ट राजू कौवा डर जाता है और कहता है, भाग दुष्ट कौवे भाग, नहीं तो तुम्हारा हाल भी दुष्ट सियार जैसा हो जाएगा। फिर दुष्ट कौवा वहां से झटपट भाग जाता है और टूनी आकर कहती है, आज इस दुष्ट सियार से जंगल के सारे पक्षियों को आराम मिल गया है और अब हम सभी पक्षी आराम से रह सकते हैं। इस प्रकार टूनी अपने बच्चों के साथ फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एक ना एक दिन आपके साथ भी बुरा ही होगा।